नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बजट से पहले संसद में सरकार ने पेश किया आर्थिक सर्वे। सर्वे के अनुसार 2019-20 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% तक रह सकती है। आर्थिक सर्वे के अनुसार अगर भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो लगातार जीडीपी में 8% की ग्रोथ रफ्तार हासिल करनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विवादित बयान दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी कायर हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी पर तन कसते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ जनेऊ और मंदिर जाने से फायदा नहीं होता है, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। बता दें, राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत कम में होता है ऐसा साहस, मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूं। उन्होंने ये सब राहुल गांधी के इस्तीफे की चिट्ठी को रीट्वीट करते हुए कहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद असम के प्रभारी व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हरीश रावत का कहना है कि असम में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली अग्रिम जमानत। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल को 15,000 के बेल बॉन्ड पर अग्रिम जमानत दे दी। बता दें कि राहुल गांधी पर बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में हुई हत्या का संबंध आरएसएस से जोड़ने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दायर किया गया था। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को लगाई फटकार। कहा, अगर वो अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामले पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने कहा, समय आने पर इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि मॉब लिंचिंग मामलों पर तात्कालिक सुनवाई के आग्रह के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मॉब लिंचिंग का ताजा मामला त्रिपुरा का है, जहां धलाई जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक गांव में मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने 38 साल के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने इस्कॉन टेंपल में की पूजा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो पैदाशी मुस्लिम हैं और इस्लाम में विश्वास रखती हैं, लेकिन वो हर धर्म का सम्मान करती हैं। बता दें, इस दौरान प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस्कॉन टेंपल में पूजा अर्चना की। शाहिद कपूर क्यारा स्टारर फिल्म कबीर सिंह ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। ए सर्टिफिकेट फिल्म कैटेगरी में की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था, यानी कि मात्र 18 साल के ऊपर ही दर्शक देख सकते हैं। साथ ही पहली ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म होगी जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। झूठा कहीं का फिल्म में लंबे समय बाद नजर आने वाले हैं ऋषि कपूर। फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर में जबरदस्त कॉमेडी नजर आ रही है, जिसमें ऋषि कपूर के अलावा जिमी शेरगिल, ओंकार कपूर और सनी सिंह मुख्य रोल में हैं। विश्व कप में आज अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने। दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा मैच। अफगानिस्तान हर हाल में इस मैच को जीतकर विश्व कप में जीत का खाता खोलना चाहेगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।